हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप के अडानी पावर लिमिटेड के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, इसमें बहुत दिनों से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या आने वाले समय में इसमें वापस थोड़ा अपर सर्किट लगेगा या ऐसे ही इसका जो शेयर है वो गिरता जाएगा, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और जो इसके इन्वेस्टर्स है, क्या इनको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भी हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं, जो सेबी की इंक्वायरी हुई थी, इसके कारण इसका जो 166 से इसका जो हाई था वो 100 पर आ गया था और अभी 96.50 पर अभी फ़िलहाल चल रहा है। तो फ्रेंड, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, अगर हम इस कंपनी के आज इसके शेयर्स की बात करें तो आज ही ओपन हुआ था 97 रुपीज़ पर। फिर इस पर जिसका हाई गया था वो 97.65 रुपीज़ गया था, लेकिन इस पर जो लो लगा वो वापस 95 रुपीज़ का लगा और ये फ़िलहाल अभी 96.45 पे चल रहा है। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 6.37 ट्रिलियन करोड़ है। और अगर हम इसके जो मार्केट कैप की बात करें कंपनी की, तो वो लगभग 37.12 ट्रिलियन करोड़ आ रहा है। उसके साथ ही अगर हम इसके पी रेशियो को देखें तो वो 29.23 है। फ्रेंड्स, अगर हम कंपनी का जो 52 वीक में इसके हाई गया था वो 166.90 गया था और 52 वीक में इसके लो की बात करें तो वो 34.50 रुपीज़ तक इसका जो शेयर है वो गया है। फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज हमें लगभग 1.74% तक हमें नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। वहीं अगर हम 5 डेज़ पहले से देखें तो ये हमें लगभग -0.92% तक नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। अगर हम इसके और पास्ट रिकॉर्ड्स में देखें तो 1 मंथ पहले ये हमें लगभग -18.44% तक नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। वहीं अगर हम 6 मंथ पहले से कंपेयर करें तो ये हमें लगभग 94.35% तक पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। और अगर हम 1 ईयर पहले से इसका कंपेयर करें तो हमें लगभग 173.48% तक पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। तो फ्रेंड, जैसे कि हम देख सकते हैं, इसमें पहले थोड़ा अपर सर्किट लगा, ये जो पावर सेक्टर से रिलेटेड शेयर है इसमें लगातार ये तेज़ी बनी हुई थी, लेकिन अचानक से ये गिरावट इसमें शुरू हुई और उसके बाद ये लगातार गिरता जा रहा है। तो क्या आने वाले टाइम में ये हमें और ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा या नहीं देगा, इसलिए इस पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही अब हम कंपनी की थोड़ी फाइनेंशियल की बात करें तो जून में जो इसकी होल्डिंग थी वो 0.51% की गिरवी होल्डिंग इन्होंने छुड़ा ली थी। और उसके साथ ही अगर हम इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो वो लगभग 28.6% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। और ये जो स्टॉक है वो ओवरबोट जोन में भी नहीं है, लेकिन इस पर अभी भी रेड फ्लैग लगा हुआ है जो मुझे लगता है एज सून एज हट जाएगा आने वाले टाइम में। और ये हमें मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये मल्टीबैगर बन सकता है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेड की बात करें तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 21.09 करोड़ था। वहीं कंपनी ने जो अगर हम कंपनी के प्रॉफिट या लॉस की बात करें तो 2018 में कंपनी को -2.10% का लॉस हुआ था, ये डाउन में गई थी कंपनी। वहीं अगर हम 2019 की बात करें तब कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 26.36 करोड़ था और अगर प्रॉफिट था तो वो -0.98 डाउन मिला था कंपनी को। वहीं अगर हम 2020 में देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो लगभग 27.84 करोड़ था, लेकिन कंपनी को वापस लॉस हुआ था, वो हुआ था -2.27% का। लेकिन अगर हम 2021 में देखें तो कंपनी को जो रेवेन्यू था वो 28.15 करोड़ था, लेकिन कंपनी को इस साल प्रॉफिट हुआ था 1.27% का। यानी 2018 के बाद अब 2021 में इसमें धीरे धीरे थोड़ा प्रॉफिट बढ़ रहा था। उसके साथ ही हम बात करें तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि पावर सेक्टर का स्टॉक और पावर सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी का माहौल बन रहा है। उसके साथ ही ये कंपनी जो है वो ग्रीन पावर पर भी काम कर रही है। तो ये जो कंपनी है ये भी अडानी ग्रुप की कंपनी, हम जानते हैं, तो ये इतनी जल्दी इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट हो नहीं सकती। लेकिन अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे ब्रेकिंग न्यूज़ की। तो चलिए ब्रेकिंग, अडानी ग्रुप इज स्पॉटलाइट अगेन, लोकसभा एमपी महुआ मोहित्र सेज डिलास्टिंग ऑफ अडानी पावर नीड्स टू बी लॉक्ड इनटू। महुआ मोहित्रा, लोकसभा मेंबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, हैज़ रिटर्न टू द फाइनेंस मिनिस्टर आस्किंग टू इन्वेस्टिगेट अडानी ग्रुप कंपनीज ऑन फॉरेजन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ओविन सबस्टेंशियल इंटरेस्ट इन दिस कंपनीज। तो फ्रेंड, जो महुआ के लोकसभा मेंबर है महुआ मोहित्र, उन्होंने कहा है कि जो अडानी ग्रुप है उस पर इन्वेस्टिगेट किया जाए। फाइनेंस मिनिस्टर को उन्होंने रिटर्न में लिख के दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि जो कम फॉरेजन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है
उसमें थोड़ी गड़बड़ है। एट द सेम टाइम शेयर्स ऑफ मोस्ट अडानी ग्रुप कंपनीज वॉज ट्रेडिंग लोअर ऑन जुलाई 26। तो जुलाई 26 को जो अडानी के ग्रुप के कंपनीज के शेयर्स है वो बहुत लोअर पे ट्रेड कर रहे थे। रिसेंटली द कंपनी रिलीज ए स्टेटमेंट सेइंग दे हैव बीन वेरी ट्रांसपेरेंट विथ रेगुलेटर्स। लेकिन कंपनी ने अभी के स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है जो कंपनी ने डील की उसके साथ। एमिड रिपोर्ट्स ऑफ एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन इनटू अडानी ग्रुप कंपनीज महुआ मोइत्रे लोकसभा मेंबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल हैज़ रिटर्न टू इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन आस्किंग टू इन्वेस्टिगेट अडानी ग्रुप कंपनीज ऑन फॉरेजन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ओनिंग ए सबस्टेंशियल इंटरेस्ट इन दिस कंपनीज। ऑन जुलाई 19 पंकज चौधरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस टोल्ड इंडियाज पार्लियामेंट दैट द कंट्रीज मार्केट रेगुलेटर एंड कस्टमर्स अथॉरिटीज आर इन्वेस्टिंग सम अडानी ग्रुप कंपनीज फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ रूल्स। तो फ्रेंड्स मेरी न्यूज़ यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब